क्रियाकलाप एक। दो बीकर या गिलास लें। पहले बीकर में 5 ml जल लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक छोटा टुकड़ा डालें। दूसरे बीकर में 5 ml मेथिल अल्कोहल डालें। दोनों बीकर में रखे पदार्थ का लिटमस तथा सार्वत्रिक सूचक के साथ परीक्षण करें और नीचे दी गई सारणी में अवलोकन को लिखें। सारणी दो को देखने और बंध की प्रकृति। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक बंध और मेथिल अल्कोहल में सहसंयोजी बंध जान लेने के बाद हमने देखा कि दोनों यौगिकों में OH है, किंतु दोनों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। NaOH में OH ऋणायन हाइड्रोक्साइड आयन तथा CH3OH में OH हाइड्रोक्सिल समूह के रूप में उपस्थित है। चूंकि मेथिल अल्कोहल कार्बनिक यौगिक है, अतः यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता है। इस तरह से दोनों पदार्थों का स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि OH किस मूलक के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चों, जैसे कि आप जान चुके हैं, जब किसी एल्किल मूलक के साथ OH समूह जुड़ा होता है तो इसे हम इस प्रकार बने यौगिक को हम अल्कोहल कहते हैं, और इस अल्कोहल में OH समूह ही उसके रासायनिक गुणों हेतु जिम्मेदार होता है। तो अब आप ये कहोगे कि NaOH में भी तो OH समूह होता है, तो क्या ये भी अल्कोहल है? तो चलिए, आज हम NaOH में जुड़े हुए OH समूह और अल्कोहल के OH समूह की प्रकृति की जांच कर लेते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम NaOH का विलयन लेते हैं और एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH का विलयन लेते हैं और इसकी प्रकृति की जांच करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नीला लिटमस पेपर लेते हैं और इसे NaOH विलयन में डालकर देखते हैं। देखिए, नीले लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डालकर देख लेते हैं। देखिए, लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है। अब हम नीला लिटमस पेपर को एथिल अल्कोहल में डालकर देखते हैं। देखिए, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम लाल लिटमस पेपर को एथिल अल्कोहल में डालकर देखते हैं। देखिए, लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कि एथिल अल्कोहल ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तो चलिए, अब हम दोनों के pH की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले हम NaOH के pH की जांच करते हैं। ये नीला हो गया। अब हम इसको कलर बार से मैच करते हैं। देखिए, ये दिखाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का pH मान 14 है। अब हम एथिल अल्कोहल के pH की भी जांच करते हैं। देखिए बच्चों, इसे pH बार से मिलाने से पता चल रहा है कि एथिल अल्कोहल के विलयन का pH मान 7 है, जो कि दर्शाता है कि यह उदासीन है। तो बच्चों, इस परीक्षण से हमें यह पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH समूह और एथिल अल्कोहल के OH समूह की प्रकृति एक जैसी नहीं है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्षारीयता का गुण प्रदर्शित किया, इसका तात्पर्य यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में OH समूह आयनिक बंध के रूप में मौजूद है, जबकि एथिल अल्कोहल में OH समूह सहसंयोजक बंध के रूप में मौजूद है। और चूंकि एथिल अल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है, अतः इसमें OH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में मौजूद है।